हाय फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 2022-23 का जो बजट है ना, वो 22 फरवरी को आया। सुरेश खन्ना जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यूपी बजट एज ए इस तरह सेंटर का पास होता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का बजट 22 फरवरी को लेके आया, जिसमें कुछ प्रमुख पॉइंट्स है। उन प्रमुख पॉइंट्स को देखिए, बजट पूरा पढ़ेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ा है, बट हमें वो देखना जो कहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड है। एक 2020-21 का जब बजट पास हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 2021 में यूपी पीसीएस के प्री में क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस के प्री 2021 में क्वेश्चन आया था कि 2022-21 के बजट से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली बार 5,12,860,000 करोड़ रुपए है ना, 5,12,860,000 करोड़ रुपए बजट का आकार था। सेकंड स्टेटमेंट था, इस बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाओं, मतलब जो टोटली कुछ, देखिए दो तरह का बजट में आवंटित होता है। एक ऐसी होती है जो पुरानी योजनाओं पे हम सरकार पैसा, मतलब 2010 की चालू हुई है उस पर थोड़ा पैसा लगा दिया, कुछ योजनाएं नई शुरू की जाती है। तो ये क्या है कि न्यूली स्कीम है ना, दिस सर्टेन न्यू स्कीम वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस बजट, अमाउंट इज 10,967.87 करोड़। ये मैं क्वेश्चन इस वजह से दिखा रहा हूं कि आपको ये जानना जरूरी है कि इस बजट में जो अभी मैं आंकड़े बताऊंगा वो कितने जरूरी है, है ना। ये सिर्फ मैं अभी जो आगे क्वेश्चंस बताऊंगा, ये ऑप्शन ए था ओनली वन करेक्ट, बी ऑप्शन टू करेक्ट, ऑप्शन सी वन एंड टू बोथ करेक्ट, डी नन, मतलब ये ऑप्शन था यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और बट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कोई बहुत मकसद है, आपको इस क्वेश्चन से बस इतना सीखना है कि कौन सा डाटा हमारे लिए जरूरी है। बजट का आकार, बजट में योजनाओं पे हुआ व्यय, मतलब बजट में जो डाटा दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब इस बार की डाटा की बात करूं तो इस बार के बजट का आकार जो है वो 6,90,24,00,000 रुपए है, है ना, 6,90,24,00,000 रुपए है, कहीं ना कहीं 6.9, जो इसके पहले आया था वो कहीं ना कहीं आया था एक 6.15 लाख करोड़ का, और उसके बाद 85 करोड़ का, मे बी 35 करोड़ का एक अलग से बजट पास हुआ था, है ना। तो 6.50 लाख करोड़ का एक प्रॉक्स बजट पास होता है, ये दिसंबर में पास हुआ था अलग से बजट, तो मतलब 6.15 करोड़ का है, 6.5 है। इस बार जो बजट है वो 6.90 लाख करोड़ का है, हाँ। तो ये डाटा बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट करने का। जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है इसको कहते हैं जीएसडीपी, देखिए जो सेंटर लॉन्च करती है वो कहीं ना जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ये जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, जो टोटल उत्पादन है प्रोडक्शन वो 16.8% है, इसको बहुत जरूरी याद रखिएगा। इसके बाद जो इसका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो 4.2 है, है ना, इसको स्टार मार्क बना लीजिए, 4.2%। इसके पहले जो बेरोजगारी रेट थी, मतलब इंडिया की इसके पहले की जो कैलकुलेशन थी उसकी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 14.4%, 14.4% से घटकर 4.2% हो गई। वो हुई कैसे वो आप लोग ही मालूम है, एक एग्जाम को 4 बार 5 बार करवाना है, है ना, मतलब मिल गई है सबको जॉब, पेपर सबने दिया है बस ये, बट ऑफिशियल डाटा ये कि 4.2%, है ना। मुझे लग रहा है कि इसमें से 10% वो सिर्फ पेपर दिए हैं, जॉब मिली नहीं है, ठीक है, वो एक अलग बात है। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट है ना, वो कि राजकोषीय घाटा कितना है, 3.48%, 3.48% किसका, इसका जीडीपी का, है ना। और अगर इस तरह बात करें तो 84,833 करोड़ रुपए, 84,833 करोड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ना। ये तीन डाटा आपको याद रखने हैं, बजट का आकार, सकल घरेलू उत्पाद, बेरोजगारी दर और राजकोषीय घाटा, है ना। और इस पूरे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो बजट पास किया गया उसको कहीं ना कहीं अमृत काल, है ना, एक अमृत काल। दूसरा इसको एक और नाम दिया गया है, विकासोन्मुखी, है ना, विकासोन्मुखी, विकासोन्मुखी बजट कहा गया है, मतलब विकास की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाता हुआ विकासोन्मुखी बजट है, है ना। तो ये कुछ डाटा है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अपने पास रखने हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसका, इस बजट का, वो बजट का आधार, ये देखिए पीसीएस में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि निम्न में से कौन सा बजट का आधार नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा को छोड़ दे देगा, है ना, समृद्धि विकास या आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और यही ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो बजट का आधार पहला बुनियादी ढांचे जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, है ना, उनका विकास करना है, साथ साथ में कल्याणकारी विकास, और तीसरा युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण,
ये तीन पॉइंट बहुत ही जरूरी है, अपने पिन कमेंट में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये तीनों पॉइंट बहुत ही जरूरी है बजट के आधार में। और थर्ड, इनका गोल क्या है कि कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को 5 साल में $1 trillion इकोनॉमी बनानी है, मतलब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का जो है उसको 1 trillion इकोनॉमी बनानी है नेक्स्ट 5 year प्लान में, है ना। इसके साथ साथ इंडिया में 8% जीडीपी में रोल जो देता है वो यूपी देता है, है ना। तो ये 1 trillion इकोनॉमी प्लान करने का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, जिन्होंने अपना ये माइंड मैप रखा। अभी टारगेट अचीव नहीं है, अभी पहला राज्य ऐसा बना जिसने अपने माइंड मैप को रखा है कि मैं 1 trillion इकोनॉमी 5 year में प्लान कर लूंगा। दिस वाज द बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट राज्य, मतलब इन्होंने सोचा है, अभी यूपीएससी निकालने का सोचा है, अभी निकाला नहीं है, है ना। फर्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी, 8 point जीडीपी रोल देती है इंडिया में, यूपी देता है रोल, तीन बेसिक स्ट्रक्चर है, है ना। बजट का आकार 6,90,024 crore, मैं इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग को लिखने में थोड़ा सा अगर कॉपी करनी होगी तो आप लोग कर लीजिएगा। सकल घरेलू जीएसडीपी 16.8%, बेरोजगारी दर 4.2%। एक और चीज, इसी को एस्टिमेटेड है नेक्स्ट ईयर 2023-24 में कहीं ना एस्टिमेटेड है ये 90%, है ना। तो ये भी डाटा एक नोट कर लीजिएगा, 90% 2024-23-24 में 90%, बेरोजगारी दर 4.2%, राजकोषीय घाटा 3.18%। अमृतकाल का है, विकास और नमुखी बजट है, ठीक है। इसके बाद बजट का आधार बुनियादी ढांचे का विकास, कल्याणकारी विकास, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, गोल है नेक्स्ट 5 year में $1 trillion इकोनॉमी करने का। और इसके साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक कोटेशन कोट की थी जो कि साकी अमरोही का है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता, साकी अमरोही का लिखा हुआ है, मंजिले लाख कठिन आए बस गुजर जाऊंगा, है ना। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोकी अंधेरा मेरा रास्ता लेके, ये मेरा है, मेरा नहीं है, है ना, मेरा रास्ता लेके, मैं जिधर रोशनी जाऊंगा उधर ले जाऊंगा, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, है ना, या मैं जिधर जाऊंगा उधर रोशनी ले जाऊंगा, दोनों हो सकता है। ये साकी अमरोही का था, इस फाइनेंस मिनिस्टर ने एडिट किया था इसको थोड़ा सा, मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है, इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कुछ बातें, जब आपको फिर से एक बार बस, ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन सी नई नई योजना है, उस पर कितना बजट है, और जो महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ओरिएंटेड, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।